आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं बड़ी खबर का। होली से पहले थोक मंडियों में सरसों, सोयाबीन, मूंगफली समेत लगभग सभी खाद्य तेल सस्ते हो गए हैं। वहीं मूंगफली तेल 20 रुपए और सोयाबीन रिफाइंड के भाव में 40 रुपए प्रति 10 किलोग्राम की कमी हुई है। दिल्ली तेल तिलहन बाजार में आज खाद्य तेलों की कीमतों में चौतरफा गिरावट का रुख देखने को मिला है और दाम नुकसान दर्शाते हुए बंद हुए हैं। जबकि इंदौर में अनाज मंडी में आज चना काटा के भाव 75 रुपए प्रति क्विंटल की कमी हुई है। मसूर में 50 रुपए प्रति क्विंटल ये महंगी बिकी है। वहीं बाजार सूत्रों ने बताया है कि मलेशिया एक्सचेंज में लगभग 3.5% की गिरावट आई है, जबकि शिकागो एक्सचेंज लगभग 2% नीचे था। विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख से स्थानीय तेल तिलहन बाजार में मंदी का रुख कायम हो गया है और लगभग सभी खाद्य तेल तिलहनों के भाव नुकसान दर्शाते हुए बंद हुए हैं। आयातित तेल के मुकाबले देसी तेल सस्ते और मंडियों में आज सरसों की रिकॉर्ड तोड़ आवक भी हुई है। मंडियों में सरसों की आवक लगभग 15 लाख बोरी थी। इंदौर के खाद्य तेल बाजार में मूंगफली तेल 20 रुपए और सोया रिफाइंड के भाव में 40 रुपए प्रति 10 किलोग्राम की कमी हुई है। कपास खली 25 रुपए प्रति 60 किलोग्राम सस्ती बिकी है। तो ये थी बात कि होली से पहले कैसे सरसों, सोयाबीन, मूंगफली और समेत सभी खाद्य तेल सस्ते हो गए हैं। वहीं सोयाबीन रिफाइंड के भाव में 40 रुपए और प्रति 10 किलोग्राम की गिरावट आ चुकी है। तो और बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए आप मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।